हेलो यो के दीवानों, तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। सो मैं आज भी आपके लिए हनी पाल जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आया हूँ। सो भाइयों, फर्स्ट अपडेट के बारे में बात करूँ। सो भाइयों, फिलहाल भाई हमारे हनी पाल जी वेडिंग के बाद दिल्ली आ चुके हैं और यहाँ पर भाई आप देख लो कि वो उत्तराखंड की जो CM है पुष्कर सिंह धामी भाई उनके साथ मिले हैं और साथ ही इस फोटो के कैप्शन में लिखा है, नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में बॉलीवुड सिंगर और रैपर हनी सिंह जी ने भेंट की। इसी के साथ भाइयों, अब मैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूं। जैसा कि भाई आपको पता होगा कि भाई हनी पाल जी की डॉक्यूमेंट्री भाई आने वाली थी, लेकिन भाइयों बहुत दिन से उसकी कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी और उसकी भाई एडिटिंग के ऊपर ही काम चल रहा था, जैसा कि पाजी ने बताया था लास्ट टाइम। सो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसी फोटो सामने आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये मोजेस सिंह है जो कि डायरेक्टर हैं इस डॉक्यूमेंट्री के, जहाँ पे भाई हमको हनी पाल जी भी दिख रहे हैं और साथ ही ऊपर लिखा है स्टूडियो वाइब। सो भाइयों कहीं ना कहीं भाई कुछ ना कुछ आने वाला है भाई डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड। हो सकता है दोस्तों जो हनी पाल जी की जो डॉक्यूमेंट्री आएगी भाई उसकी जो थीम सॉन्ग होने वाला होगा उसकी रिकॉर्डिंग चल रही हो, बाकी अगर कोई भी इससे जुड़ी कन्फर्मेशन आती है सो मैं वो आपको बता दूंगा। इसके अलावा भाइयों हनी पाल जी को ऐसी स्टोरी लगाते हैं, आप देख लो, जस्ट प्लेड फ्यू सॉन्ग्स फ्रॉम ग्लोरी टू माई बिग ब्रदर सलमान भाई। सो भाइयों हनी पाल जी सलमान खान से भी मिले हैं भाई जब वो कल मुंबई में गए थे, उसके बाद वो लिखते हैं एंड ही लव्ड इट एंड गेव मी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, यानी कि भाई जो सलमान खान है भाई उनको ग्लोरी एल्बम के जो कुछ सॉन्ग्स हैं जो पाजी ने उनको सुनाए वो पसंद आए हैं। सो भाइयों आप पूरा भाई आशा है कि ग्लोरी एल्बम भाई मस्त होने वाली है, क्योंकि भाई बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं भाई हनी पाजी की तरफ से और सलमान भाई ने भी बोला है। सो भाई हम वेट करते हैं ग्लोरी एल्बम का। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना। मैं मिलूंगा आपको हनी पाजी के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।